हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नए वीडियो में। रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, एक बार फिर से रात की प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए। आई एम सुजीत कुमार। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके बीवी बच्चों को आशीष दे, आपके घर परिवार को आशीष दे। हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, बूढ़े हों, बच्चे हों, जवान हों, हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं जो परमेश्वर आपकी इच्छाओं को, जरूरतों को पूरा करता है, क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता रहता है और उत्तर देता रहता है। वो धन्य परमेश्वर है, उसका नाम युगानुग धन्य है, उसकी करुणा सदा की है, अनंत काल की है। मेरे प्रियजनों, यदि आप विश्वास के साथ परमेश्वर को बोलोगे तो हमारा परमेश्वर वैसा ही कर देगा मेरे प्रियजनों, क्योंकि यीशु मसीह हम सभी के मुख का सृजनहार मेरा परमेश्वर है। आप जैसा बोलोगे, आपके शब्दों को हमारा परमेश्वर पूरा करेगा मेरे प्रियजनों। यदि आप दुख में हैं, तकलीफ में हैं, समस्याओं में हैं, बीमारी में हैं, गरीबी में हैं, उदासी में हैं, बेचैनी में हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, यदि आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, यदि आपको आपके परिवार वालों ने, रिश्तेदार वालों ने छोड़ दिया है, आप बीमारी को लेकर टूट चुके हो, बीमारी में परेशान हो, गरीबी को लेकर परेशान हो, यदि आपको कोई आस का तारा नज़र नहीं आ रहा है, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, यहोवा जुलावर के पास आओगे तो हमारा परमेश्वर बंद रास्तों को खोलने वाला परमेश्वर है, आपको चंगाई देगा, आपके रास्ते खुलेंगे। जिस काम में आपको आशीष नहीं मिल रही है, उस काम में हमारा परमेश्वर आपको आशीष देगा मेरे प्रियजनों, क्योंकि वो महान और जीवित है और यीशु नासरी है। वो प्रेम करता है हम सभी से, अपनी आँख की पुतली की तरह प्रेम करता है मेरे प्रियजनों। आप क्यों चिंता करते हो, आप क्यों परेशान हो मेरे प्रियजनों? आपकी चिंता करने वाला, हमारी चिंता करने वाला जो परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है, वो चिंता करता है कि तुझे क्या चाहिए। प्रभु ने कहा है, आप गहराई से सोच के देखो, प्रभु ने कहा है, जरा उन सोसनों पर, उन पक्षियों पे ध्यान दो, वे कैसे खाते हैं। आप गहराई से सोचो, वे ना तो बोते हैं और ना तो काटते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे बहुमूल्य नहीं हो? प्रभु आपको खिलाएगा, आपको पिलाएगा, परमेश्वर आपको निराश होने नहीं देगा, परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, परमेश्वर आपकी गरीबी को दूर करेगा, परमेश्वर आपकी चिंताओं को, परेशानियों को, हर एक बुरी परिस्थितियों को हमारा परमेश्वर चेंज कर देगा मेरे प्रियजनों, क्योंकि वह चेंज करने वाला परमेश्वर है और आपको बदलेगा। यदि आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है, दुष्ट आत्माओं के बंधन है, जादू टोना के बंधन है, यदि आपको बच्चे की आशीष नहीं मिल रही है, तो मैं बोल रहा हूँ आज, यदि आप सच्चे मन से परमेश्वर को पुकार रहे हैं तो परमेश्वर आपको आजाद कर देगा और आपको बेबी के साथ ब्लेस कर देगा मेरे प्रियजनों। ठीक है, इस प्रार्थना को आंख बंद करके सुनना है और लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव करना है। तो चलिए हम प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 राजाओं के राजा है आप, प्रभु के प्रभु है, धन्य है सेनाओं के यहोवा, आज सृष्टिकर्ता मालिक है मेरे परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के कर्ता हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा से आपका वेलकम करते हैं, पवित्र आत्मा से आपकी महिमा करते हैं, पवित्र आत्मा से आपका नाम धन्य है मेरे परमेश्वर। प्रभु जो आपने मेरे पिता हम सभी को जूतों के बीच में जीवित रखा है मेरे पिता, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों की आड़ में छुपा के रखा है मेरे प्रभु, इसके लिए पिता आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे पिता जो आपको नहीं जानते होंगे, जो मर गए होंगे, जो अपने माता पिता से, भाई बहनों से, घर मोहल्लों से वे बिछड़ गए होंगे पिता, जो आपने हम सभी को माता के गर्भ से चुना है, आपने चित लगाया है, आपने मुहर लगाया है कि तू मेरा ही है, मैंने तेरा नाम लेके बुलाया है, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटो, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे पिता में प्रार्थना करता हूँ, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, जो खाट पर, जो बेड पर पड़े हैं, बीमार हैं, रो रहे, बिलख रहे, चिल्ला रहे, मेरे पिता मैं विनती करता मेरे परमेश्वर, ये चंगे हो जाए, इनकी बीमारियाँ जाए, गिल्टिया, रसोलिया, पथरिया जाए, कैंसर जाए, टाइफाइड बुखार जाए, मलेरिया बुखार जाए, डेंगू बुखार जाए मेरे परमेश्वर। आपकी आत्मा छू ले पिता, आपकी आत्मा टच करने पाए मेरे परमेश्वर, आपकी आत्मा छू ले सुनासरी के नाम में।
मेरे पिता में प्रार्थना करता हूँ पिता, जिन घरों में लड़ाई झगड़ा होता है दुष्टात्मा के बंधन है पिता, जिन कामों में आशीष नहीं मिले पिता, आप इनकी इच्छाओं को जानते हैं, इनकी सारी इच्छाएं आज की रात पूरी हो जाए सुनासरी के नाम में। मेरे पिता में प्रार्थना करता हूँ जो मसीह में रात में सो पाता है, जिन्हें डर लगता है भय लगता है, पर पिता आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तू भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी। मेरे पिता मुझे आशा विश्वास से अपने प्रार्थना को सुनना है। ये छोटी स्मृति उद्धार करता यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा। आमीन।